Assalamualaikum. My name is Javed Iqbalewan. अभी रिसेंटली मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने स्टोर प्रोसीजर को इनक्रिप्ट करने का भी आपको बताया था कि हम किस तरह से स्टोर प्रोसीजर को इनक्रिप्ट कर देते हैं। उस इनक्रिप्ट करने से हमारा पर्पज़ ये था कि हमारा स्टोर प्रोसीजर कोई देख ना सके और ना ही इसको कॉपी कर सके, ना इसको मॉडिफाई कर सके, यानी लॉक हो जाए, हमारा स्टोर प्रोसीजर लॉक हो जाए। इसके लिए मैंने एक सिंपल कमांड लगाई थी विद इंक्रिप्शन का मेथड लगाया था। तो देन जब मैंने अपलोड कर दिया तो इसके बाद मुझे एक मेरे यूज़र ने जो है वो कमेंट्स किया था कि सर हम इंक्रिप्ट तो कर देंगे लेकिन इसको हम डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, यानी सॉरी अब डिक्रिप्ट करना है उसको, दोबारा से जो है इस फॉर्म में लाना है कि इसको कोई कॉपी कर सके, मॉडिफाई कर सके। तो देन उसका तरीक़ेकार उससे पूछा मुझसे, तो फिर मैं एक रिकॉर्डिंग और कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इंक्रिप्टेड स्टोर प्रोसीजर को कैसे डिक्रिप्ट करते हैं। अब इसके लिए पर्पज़ के लिए मैंने उस वक्त तो आपके सामने डिलीट कर दिया था उस स्टोर प्रोसीजर को। तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले तो मैं एक स्टोर प्रोसीजर कोई भी चाहिए मेरे पास है, मैं इसको सेव एसटीडी का मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। अब देखो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है, ये इसके हम कोड जनरेट कर सकते हैं, इसको हम रन कर सकते हैं, सर ऑप्शन मौजूद है, मॉडिफाई करना चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई भी ओपन है। और इसको आप जो है उसे क्यूरी भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो आपके पास लॉक नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, मैं इसको इंक्रिप्ट कर देता हूँ, तो ना इसका आप कोड इसका स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, ना इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो पहले तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, और मॉडिफाई करने में अभी आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से हम काम करते हैं, कि हम सिंपल एक लाइन लिख देते हैं विद इंक्रिप्शन। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका मतलब है कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो स्टोर प्रोसीजर है सेव स्टडी वो लॉक हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, अब मैं जब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ लॉक लग गया, अब मुझे ये निशान आ गया, इसका मतलब है ये हमारा स्टोर प्रोसीजर जो है वो इंक्रिप्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मॉडिफाई यहाँ से जा चुका है, तो अगर कोई भी यूज़र मेरे सिस्टम में आके बैठेगा और मेरे इसको सर्वर डेटाबेस पर बैठ जाएगा तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, पहली बात। अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट जनरेट करना चाहूँगा तो देखिए स्क्रिप्ट भी जनरेट नहीं होगी, ये एरर दे देगा, कहेगा आपका जो है इंक्रिप्टेड है, इसकी आप स्क्रिप्ट भी जनरेट नहीं कर सकते। अब देन इस सिनारियो में हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे इसको दोबारा से जो है वो अपना डिक्रिप्ट करना है और मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्क्रिप्ट जनरेट करना चाहता हूँ। अगर आप पूरे डेटाबेस की भी स्क्रिप्ट निकालेंगे तमाम टेबल्स के साथ, अगर पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे तो भी इसकी स्क्रिप्ट जनरेट नहीं होगी, बाकियों की हो जाएगी जो कि अनलॉक है। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं इसकी स्क्रिप्ट भी जनरेट करना चाहता हूँ या इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, देन इसके लिए क्या स्टेप्स है मैं आपको समझा दूँ। आपने एक इंस्टॉलेशन करनी होगी, हमारे पास ये आईडी देख ले div.art.com ये आपको यूआरएल याद रखे, इस पर आपने आके जो है वो एसक्यूएल सर्वर डिक्रिप्टर कहलाता है, इसको आपने डाउनलोड करना होगा। 2.75 MB का ये है हमारे पास है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। जब आप इसको डाउनलोड कर देंगे तो 2.75 MB का सिंपल सा छोटा सा ही है, ज़्यादा एक से डेढ़ मिनट में हो जाएगा। जब आप इसको डाउनलोड कर देंगे, ये यूआरएल ध्यान में रख लें कि यूआरएल हमारे पास है div.art.com, यानी बेसिकली डिक्रिप्ट करने के लिए होता है, एसक्यूएल डिक्रिप्टर कहलाता है। अगर गूगल में भी एसक्यूएल डिक्रिप्टर लिखेंगे तो भी आपको जो है वो ये उसका यूआरएल दे देगा। अगर मैं यहाँ पे आके इसको एसक्यूएल डिक्रिप्टर लिखता हूँ तो भी देखें ये हमारे पास div.art.com, ये हमारे पास यहाँ पे इसका यूआरएल आ रहा है। आपने सिंपल यहाँ पे आके डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना है, जब डाउनलोड कर देंगे तो हमारे पास 2.75 MB का ये डाउनलोड जब हो जाएगा तो फिर इस तरह से होगा, यानी जब डाउनलोड होने के बाद इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब आप कनेक्ट करेंगे तब वही यूज़र आईडी देनी है, पासवर्ड देना है, और तो आपके जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। ये वो डेटाबेसेस हैं जो मेरे एसक्यूएल सर्वर में बने हुए हैं। जब ये डेटाबेसेस आ रहे हैं तो साथ इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो स्टोर प्रोसीजर्स भी आ गए, व्यू भी आ गए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ देखिए, अब देखिए इसने भी लॉक लगाया हुआ है सेव एसटीडी का, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे आके इस पर आता हूँ तो मुझे शो DDL स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने ये बटन प्रेस कर देना है तो आपके पास देखिए इससे कोड जनरेट दिखे शो कर दिया, हालांकि ये लॉक था, लेकिन यहाँ पे आके इसने जो है वो कोड आपको इसको दे दिया है। तो मतलब है कि मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, सिंपल मुझे स्टोर प्रोसीजर का कोड मिल गया। तो अब आपने इसको सिंपल कॉपी करना है और वहाँ पे आके, क्योंकि हमारे पास देखिए जब हम इंक्रिप्ट करते हैं तो डिक्रिप्ट का ऑप्शन है SQL सर्वर में कोई भी नहीं है, तो जब इसके सर में डिक्रिप्ट का ऑप्शन कोई भी नहीं है तो आपने को कोड तो इसका मिल चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे कोड तो इसका मिल गया है, तो जो मैंने जो स्टोर पर से बनाया उसका कोड तो सारे के सारे मेरे पास एज इट इफ जो मैंने बनाया था सेम के सेम वो सारा आ गया, ना ऑल्टो की कमांड है ना कुछ है, क्रिएट प्रोसीजर की कमांड के साथ मिल रहा है।
तो आपने इसको यहाँ पे आके डिलीट कर दिया, देखिए इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि लॉक है, तो आप इसको डिलीट कर दो यहाँ से, रिमूव कर दोगे, ये रिमूव हो गया। इसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो हमारे पास एज इट इज उसी नाम से आपके पास जो है स्टॉप प्रोसीजर और बन जाएगा, और आप समझोगे आपका डिक्रिप्ट हो गया, तो ये आपके स्टॉप प्रोसीजर आपका यहाँ पे आके एक और शो हो गया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जस्ट मिनट, ये हमने सेव स्टडी का बनाया था, तो मैंने सेव स्टडी पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं इसी कोड के साथ ही बना दिया ना, तो दोबारा बना तो दोबारा जो है वो इंक्रिप्टेड बन गया। तो अब आपने इसको पहले तो इस लाइन को उड़ा दें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास नहीं है, अब लाइन वो आपने उड़ा दी, तो मैंने तो दोबारा से बनाया तो मैंने दोबारा इंक्रिप्टेड ही बना दिया, तो इसलिए वो दोबारा लॉक हो गया था। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मेरे पास नया स्टॉप उसे बनेगा जो कि इंक्रिप्टेड नहीं होगा, और फिर मैं इसको मैं मॉडिफाई करता चाहूँ मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसका मैं कोड जनरेट करना चाहूँ, क्योंकि सिंपल है, यानी अब अनलॉक हो गया, तो अब सब कुछ जो जो आम स्टॉप उसी के साथ हो सकता है वो इसके साथ भी हो सकता है। तो ये एक तरीका होता है, ये एक वेबसाइट है, इससे आप इसको जो है डाउनलोड करेंगे और सिंपल आपको जो है वो जितने भी इंक्रिप्टेड होंगे आपके पास वो सारे के सारे आप उसको जैसे सिलेक्ट करेंगे और इस पर आगे राइट क्लिक करके शो डिटेल करेंगे तो आपके डिटेल स्किप निकाल देगा। आप देखो ये भी इंक्रिप्ट नहीं है और जैसे ये भी इंक्रिप्ट नहीं है, लेकिन शो डिटेल स्किप आ रही है, मतलब मैं किसी की भी स्किप निकाल सकता हूँ। ये हमने सॉफ्ट से बनाया था, किसी की भी स्किप निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी निकाल सकते हैं लेकिन सिर्फ लॉक वाले की नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है सिर्फ लॉक वालों के लिए, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिंपल इसको कनेक्ट करना है, वही यूज़र आईडी पासवर्ड देने जो आपके एसक्यूएल सर्वर की है, अगर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में काम करे, अगर विंडोज़ पे करे तो विंडोज़ पे कनेक्ट कीजिएगा, तो फिर ये आसानी से हो जाएगा। तो मेरे एक यूज़र ने, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो ये रिक्वेस्ट की थी, तो कमेंट किया था, तो मैं इसका दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी कमेंट करें, जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा और मैं जैसे उस कमेंट्स पढ़ लूँगा, तो फ़ौरन से जो है जैसे मुझे वक्त मिलेगा टाइम मिलेगा तो मैं जो है वो इस तरह की जो है रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देता रहूँगा। तो अगर मेरा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो है वो कमेंट्स करें, जो आपको मज़ीद रिकॉर्डिंग चाहिए या इसके बारे में पूछना हो तो पूछते रहिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।